जितो रखो है अंकुरण था उतना ही है। उतना ही है वो। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप लोग, ये दादा दादा का कहना है कि हमने यही अंकुरण में आलू रखा था और यही अंकुरण में सेम उसी वैसे ही रखा है, 8 दिन हो चुके हैं करीबन। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम इस समय मौजूद है तिरवा क्षेत्र में, भगतपुरवा जो गाँव पड़ता है, हालांकि ये तिरवा ठडिया रोड के किनारे करीमनगर ग्राम पंचायत है। और हमारे साथ में किसान भाई लोग हैं और इन लोगों से हम जानेंगे, आज आज बहुत काम की चीज आपको हम बताने वाले हैं, काम की जो बातें हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई अक्सर जो है लगातार देखा जाए तो लगातार आलू की बुआई चल रही है तिरवा क्षेत्र में, बराबर लगातार आलू की बुआई हो रही है, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो आलू जो परिवर्त करने की बात कर रहा हो। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कितने दिन हो चुके हैं भाई, दादा है आलू में अभी सिंचाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं आलू की फसल में, तो कितने दिन अभी तक हो चुके हैं और आलू का जो अंकुरण है हम वो भी खोल के दिखाएंगे आप लोगों को कि अभी तक जो दिन हो चुके हैं करीबन मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और 10 से 12 दिन में 8-10 दिन जो भी है दादा से पूछेंगे, मतलब कुल मिला के 10 दिन मान लेते हैं, और 10 दिन में कितना अंकुरण अभी तक हुआ है और कितना होना चाहिए था, अब बारिश के बाद क्या इसमें बदलाव होने वाला है। तो हम पहले दादा से पूछ लेते हैं कि कब आलू रखा गया था, और हम आप लोग देख सकते हैं पूरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आज क्षेत्र में जो है आलू की बुआई तो बढ़िया हो रखी है, ज्यादा से ज्यादा आलू की बुआई हो चुकी है, लेकिन आलू में जो कहीं ना कहीं सिंचाई है तो अब धीरे धीरे पानी की सिंचाई हल्की हल्की होने लगी है, क्योंकि कई किसानों ने थोड़ा इंतजार कर लिया, लेकिन आलू की जो अंकुरण है वो सही से नहीं हो पा रहा है। अब सिंचाई के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल में दादा हमारे साथ में इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा दादा, अपना जो खेत है किस एरिया में पड़ता है? ये करीमनगर मौजम, करीमनगर मौजम। अच्छा दादा, कब आलू रखे थे इसमें? ये आलू रखा था 6-7-8 दिन हो गए। 6-7-8 दिन हो गए। अच्छा, 8 दिन का आलू मतलब हो गया है, कौन सा आलू गाड़े हैं? पुखराज सफेद। सफेद पुखराज गाड़े हैं। अच्छा, जो गुल्ला साइज है या फिर थोड़ा महीन ज्यादा है? गुल्ला साइज है। गुल्ला साइज है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा, 8 दिन बाद आपने पहले रखा है तो 8 दिन में कुछ बीजा सड़ने की संभावना तो नहीं बन रही? अभी तो देख लिया जाए हम। अभी देख लिया जाए हाँ। तो अच्छा, पहले तो हम आपको लोगों को दिखाएंगे अभी। अच्छा दादा, आप पानी जो लगा रहे हैं तो इसके बाद क्या रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब 8 दिन में कुछ रिजल्ट आपको लगा अभी तक? 8 दिन में वैसे आलू निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए। अच्छा आप दादा थोड़ा हमें निकाल के यहाँ पे दिखा दीजिए। पहले तो हम जहाँ सूखी वाली जगह है यहाँ से थोड़ा बीजा निकालते हैं और दादा निकाल रहे हैं, देखते हैं कि इसमें जो है कितना क्या हुआ है। तो देखिए अब ये सूखे में अच्छा दादा, इसमें नमी बिल्कुल थी जो आप आलू रखे थे? हाँ, नमी थी, थोड़ी बहुत नमी थी, और नमी तो शायद अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन देखा जाए तो इतने नमी में काम चल नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से। देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, अंकुरण जो है अब इतना तो आलू जो है घर पे ही, मतलब जो किसान खेत में लाता है उतना भी इतना अंकुरण हो जाता है घर पे ही। दादा है इसी बात? हाँ, इसी बात है, मतलब घर पे इससे ज्यादा अंकुरण हो जाता है? जितो रखो है अंकुरण था उतना ही है, उतना ही है, वो नमी नहीं है, कतई नहीं, बिल्कुल बड़ो है। तो इसका इसका कारण क्या रहा? ये पानी कमी है, पानी कमी है, नमी बिल्कुल है नहीं, और इसकी वजह से सूखा रखा है, सूखा है, इसे आलू उबल रहा है, दिन में उबलता होगा। अच्छा दादा, अब इसका अगर रिजल्ट हम देखें, देखो तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप लोग, ये दादा दादा का कहना है कि हमने यही अंकुरण में आलू रखा था और यही अंकुरण में सेम उसी वैसे ही रखा है, 8 दिन हो चुके हैं करीबन, 8 दिन के बाद में इसमें बिल्कुल भी कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अच्छा दादा, अभी आज तो खैर पानी लग ही रहा है तो आप पानी लगने वाले में कोई वो है ही नहीं करना अभी तो। अब अच्छा, इसमें कितना कितने दिन बाद है इसमें रिजल्ट आ जाएगा सामने? रिजल्ट 8-10 दिन बाद आएगा। 8-10 दिन बाद, मतलब अब ये मान के चलो अब पानी आज लगा है, अब हम ये मानना पड़ेगा कि आलू ये आज ही कल में रखा है, आज ही रखोगे मान लो, ये मान के चलना पड़ेगा, ये मान। अच्छा तो जो कई किसान लोग हैं वो 10-10-12-12 दिन हो गए वो ऐसे, मतलब आलू गाड़ के आपकी तरह गड़ा हुआ उनका, तो उनको भी क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र में, पानी लगाना चाहिए? पानी नहीं, प्राइवेट करके रखना चाहिए, कायदा में तो होता है पहले वाले बाद वाले आलू रखे जाए। अच्छा, प्राइवेट कर लें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। अच्छा दादा, अभी जो आलू जो जैसे आप जैसे किसान है उन्होंने आलू रख दिया है, 10-15 दिन हो गए उनको, अभी तक कोई अंकुरण नहीं हुआ, कई लोगों किसानों को तो बीजा सड़ने लगा है, अब जो वो लोग ऐसे किसान है तो उनको क्या किस तरीके से पानी लगाना चाहिए? जैसे ये वाला पहला पानी लगाने का भी प्रकार है, अगर हल्का हल्का लगाना चाहिए, हल्का हल्का। अच्छा, गोया गोया क्या कितने, आधा गोया मतलब? आधा गोया से कम ही, आधे गोये से कम, ये भर गया था इसलिए मिल जाना हो गया। अच्छा अच्छा, तो ऊपर अगर ज्यादा पहुंच जाता है तो फिर अंकुरण होने में बहुत दिक्कत है? अंकुरण नहीं, दिक्कत रही होगी, वो बहुत ठोस हो जाता है, बढ़िया फिर घास फूस जल्दी जम जाती है, घास फूस भी जलती है और जमती है, और उसके बाद जो है आलू साइज भी ज्यादा हो जाता है, ठोस होने से आलू फूलता नहीं, पैदावार कम होती है।
बहुत 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 धन्यवाद आपका दादा, ये पकड़ो आप। तो आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, दादा ने जो जानकारी दी और हम इस तरफ आप लोगों को दिखाने के प्रयास करेंगे कि आलू की जो सिंचाई है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होनी चाहिए। दादा का जैसे बोले हैं कि जो आधा गोया है उससे हल्का नीचे रहना चाहिए, क्योंकि लेवल जब नीचे रहेगा तो उसकी नमी जो है नमी पूरे गोहे तक पहुंचती है। देख सकते हैं आप लोग इसमें जो है ऊपर जहां तक आलू बीजा रखा है वहां तक नमी तो करंटली पहुंच चुकी है, और देखा जाए तो उसके नीचे अभी अभी अब ये नमी जो है बनी रहेगी, और इस नमी के बाद में देखा जाए तो आलू का जो रिजल्ट है वो करीबन अब दादा जैसे बता रहे हैं कि अगर आज पानी लगाया तो अब इसके यही मानना पड़ेगा कि आज ही रखा गया है, और ये बात बिल्कुल राइट है। तो आप लोगों को अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए और ज्यादा अभी मतलब सोच रहे हैं आलू रखने के लिए, तो उम्मीद ये बनाइए अगर आपका बालुई वाला क्षेत्र ज्यादा है, एक दो दिन में अगर नमी आ जाती है तो आप लोग जो है परिवर्तन करने के बाद ही अगर करें जैसे दादा ने बताया तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट रहेगा। फिलहाल में तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि जो है अच्छी जो सूचना है वो सभी किसानों तक दोस्तों पहुंच जाए। धन्यवाद।